कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य इकाई के बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को बेंगलुरु सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने येदियुरप्पा को 40 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप से दोषमुक्त करार दिया है। उनके अलावा इस मामले में आरोपी अन्य लोगों को भी अदालत ने बरी कर दिया है। इनमें उनके दो बेटे, दामाद और जेएसडब्ल्यू के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में येदियुरप्पा को 2011 में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि उन्हें 3 सप्ताह बाद जमानत मिल गई थी। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे आज भरोसे का इनाम मिल गया। आपको बता दें कि येदियुरप्पा जब 2008 से 2011 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन पर और उनके दो बेटों के अलावा अन्य लोगों पर आरोप लगे थे कि उनकी ओर से चलाए जा रहे ट्रस्ट, खनन लाइसेंस और अन्य फायदों के लिए 40 करोड़ रुपए की 2010 में घूस दी गई थी। सीबीआई ने जांच के दौरान 216 लोगों से पूछताछ की थी। सीबीआई का कहना था कि यह पैसा दक्षिण पश्चिम की खनन कंपनी से आया था जो जेएसडब्ल्यू से जुड़ी हुई थी। ये भी कहा गया था कि 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम येदियुरप्पा के परिवार की ओर से चलाए जा रहे प्रेरणा ट्रस्ट को दी गई थी, जिसमें से 6 करोड़ स्वामी विवेकानंद संस्था को दिए गए थे जिसमें येदियुरप्पा ट्रस्टी थे। इसके बाद राज्य में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई और इसी बीच इनसे इस्तीफा भी ले लिया गया, जिसके बाद 2012 में येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़ दी। हालांकि 2014 में यह उस समय पार्टी में लौट आए जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाली। कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले येदियुरप्पा के लिए यह राहत भरी खबर है। इस मामले की वजह से उन्हें काफी कुछ गंवाना पड़ा था। देखते रहिए डीबी लाइव।